subject science. Your chapter is conservation of plants and animals. So in this chapter you have learned one biosphere reserve, that is Pachmari. आपको इस चैप्टर में एक बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है जो कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है. मीन्स आपको पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ना है. सो टुडे टॉपिक इज पचमढ़ी. मैप ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, आप पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का मैप देख सकते हैं, ब्लैकबोर्ड में बना हुआ है. और आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी है इसका पिक्चर. सो इस पचमढ़ी बायोस्फीयर में कौन कौन से मीन्स एरिया आते हैं वो देखते हैं. टावर रिजर्वियर, यहाँ पे चुन्ना, यहाँ पे धैन, यहाँ पे पोई, सेक्टवरी, यहाँ पे आपका पोरी है, फिर यहाँ पे सतपुड़ा नेशनल पार्क है, फिर नीमगैन है, फिर यहाँ पे आपका पचमढ़ी सेंचुरी टू पीपा एरिया है, फिर पनार पानी गेज है एंड यहाँ पे आपका पचमढ़ी है. सो इसमें थ्री वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज आते हैं जो पचमढ़ी बायोस्फीयर है. इसमें थ्री वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज है. क्या क्या है? फर्स्ट वन इज पोरी सेंचुरी, देन सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड देन पचमढ़ी सेंचुरी आपका जो है इसमें आता है. पोरी सेंचुरी, देन सतपुड़ा नेशनल पार्क एंड पचमढ़ी सेंचुरी. ये आपका थ्री वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम जो प्लांट्स और एनिमल्स स्पेसिस या फिर जो यूनिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेन्स या प्लांट्स एनिमल्स ये सब होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ये गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इसको देखती है और इसके ऊपर मीन्स मनी जो होता है उसको स्पेंड करती है, देती है, जिससे कि जो उस एरिया के जो यूनिक एरिया में जिस टाइप के एनिमल्स प्लांट्स अवेलेबल है या पाए जाते हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए, बचाया जाए, जिससे फ्यूचर जनरेशन या फिर हमको उनसे जो भी यूज़ है उसको हम ले सकें. सो ये जो पोरी सेंचुरी और पचमढ़ी सेंचुरी है ये आपका बफर जोन है एंड सतपुड़ा नेशनल पार्क क्या है? कोर जोन है. जो भी आप इससे प्रीवियस वीडियो में क्या देखे थे, जो बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं इसके अंदर वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आते हैं. जो बायोस्फीयर रिजर्व थे कि आपके लार्ज एरिया मीन्स लार्ज एरिया थे और इसके अंदर क्या क्या आते थे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आते थे एंड वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क भी. जब हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज पढ़ रहे थे कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज क्या है, उस समय हमने क्या देखा था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क, थ्री आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज थे. क्या क्या थे? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व. और बायोस्फीयर रिजर्व एक लार्ज एरिया में था, उसके अंदर मीन्स ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क थे उसके अंदर आते थे, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आते थे. आप देख सकते हैं ये मैप
पचमढ़ी बायोस्फीयर जो मैप है उस मैप में देखिए जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसके अंदर आ रहे हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आ रहे हैं, जो एक आपका पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में आपको पढ़ना है। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर कहाँ पे मीन्स लोकेट करता है, ये आपका सतपुरा हिली रेंज जो कि एमपी मीन्स मध्य प्रदेश में है, और ये जो है पूरा एक हिली एरिया टाइप का है, और ये जितने भी आप एरिया देख रहे हैं जो भी आप नाम देख रहे हैं ये आपको पूरे फॉरेस्ट से घिरा हुआ है, और ऐसा बिलीव किया जाता है कि ये जो पचमढ़ी बायोस्फीयर या फिर सतपुरा हिली रेंज है ये 150 मिलियन ईयर ओल्ड है। मीन्स ऐसा बिलीव किया जाता है, माना जाता है कि ये जो सतपुरा हिली रेंज या फिर जो एमपी में है या फिर पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका 150 मिलियन ईयर ओल्ड मीन्स इतना ओल्ड है, कितने पुराने ऐसा माना जाता है, जो हिमालय है उससे भी ओल्ड ये है, और जो पूरी सेंचुरी है और पचमढ़ी सेंचुरी ये आपका बफर जोन है एंड सतपुरा नेशनल पार्क जो है आपका कोर जोन है। हम जब पढ़ रहे थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरिया ये पढ़ रहे थे, और क्या पढ़ रहे थे, बायोस्फीयर रिजर्व में जोन्स होते हैं, 3 जोन्स होते हैं, कोर जोन्स, बफर जोन्स एंड ट्रांजिशन जोन्स। जो ये है सतपुरा नेशनल पार्क भी आपका कोर जोन है, पूरी सेंचुरी एंड पचमढ़ी सेंचुरी जो है आपका ये बफर जोन है। सतपुरा नेशनल पार्क आपके कोर जोन है, और जो पूरी सेंचुरी और पचमढ़ी सेंचुरी है वो आपका बफर जोन है। जब हम पढ़ रहे थे तो कोर जोन एंड बफर जोन के बारे में पढ़े थे, कोर जोन क्या थे, इस जोन में ये जो कोर जोन होता है बफर जोन से मींस उसके जो रहते हैं साइड साइड बफर जोन होते हैं, बफर जोन से वो घिरे हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो आपका कोर जोन है, और कोर जोन जो है वो बीच में है और इसके किनारे क्या है आपके बफर जोन है, जैसे पूरी सेंचुरी एंड पचमढ़ी सेंचुरी क्या है आपका कोर जोन है, और ये दोनों सतपुरा नेशनल पार्क के साइड में है, और सतपुरा नेशनल पार्क आपका कोर जोन है। और कोर जोन में क्या करते हैं, इसमें जो मीन्स इसके इसमें जो पीपल रहते हैं, जो आदमी रहते हैं, वो जो भी प्लांट्स या एनिमल्स यूनिक टाइप के प्लांट्स एनिमल्स को इनमें जो प्रोटेक्ट किया जाता है या बचाया जाता है ये आपके इसमें मॉनिटरिंग एंड रिसर्च किया जाता है। मीन्स जो भी प्लांट्स और एनिमल्स या फिर जो स्पेसिस या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको यहाँ पे मॉनिटरिंग किया जाता है, मीन्स देखा जाता है, समझा जाता है कि वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, क्या फूड ले रहे हैं, किस टाइप के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं, ये सब उन पर मॉनिटरिंग किया जाता है, और उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि वो उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे क्या किया जाए, उनके ऊपर रिसर्च किया जाता है। कोर जोन एंड बफर जोन आपके कोर जोन से घिरे हुए रहते हैं। आप देख सकते हैं मैप में कि जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो आपका कोर जोन है, और जो पचमढ़ी सेंचुरी है एंड बोरी सेंचुरी है ये आपके बफर जोन है जो कि घिरे हुए हैं उनसे, और बफर जोन में एनालाइज किया जाता है, समझा जाता है उनके बारे में कि कैसे उनको किया जाए, जैसे इसमें फिशिंग किया जाता है, बर्ड होते हैं उनको ये सब यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाता है। ये आपके पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व थे।
यू हैव लर्न वन थिंग IUCN. IUCN क्या होते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो इंटरनेशनल मीन्स पूरे वर्ल्ड के होते हैं जो यूनियन उनको यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल और नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको यहाँ पे रेड डेटा बुक में मीन्स जो कंजर्वेशन लिस्ट है जो प्लांट्स और एनिमल्स जिनको प्रोटेक्ट करना है या फिर वो इंडेंजर में आते हैं उनको यहाँ पे मेंटेन किया जाता है बनाया जाता है ये क्या पब्लिश करते हैं रेड डेटा बुक जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज है जो IUCN है ये रेड डेटा बुक को पब्लिश करते हैं और रेड डेटा बुक में क्या होता है लिस्ट होता है जो प्लांट्स और एनिमल्स या स्पीशीज जो इन डेंजर है मीन डेंजर में है जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है जो धीरे धीरे जिनके नंबर डिक्रीज कर रहे हैं उनका लिस्ट यहाँ पे मेंटेन किया जाता है रेड डेटा बुक में और ये पब्लिश कौन करते हैं IUCN पब्लिश करते हैं रेड डेटा बुक में और इसमें आपका प्लांट्स और एनिमल्स या स्पेसिस जो यूनिक टाइप के होते हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है जो इन डेंजर में आ रहे हैं जिनका नंबर धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है उनको प्रोटेक्ट करना है तो उनके लिस्ट को मेंटेन किया जाता है उनको ये किया जाता है क्योंकि आपके रेड डेटा बुक में ये सब लिस्ट रहते हैं प्लांट्स और एनिमल्स स्पेसिस के और इसको पब्लिश कौन करते हैं ICUN नाउ यू कैन नो पचमढ़ी बायोस्फीयर एंड व्हाट इज IUCN एंड रेड डेटा बुक नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे नाउ थैंक यू.